उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा को लेकर राजनीति गरमा गई है। बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। पप्पू यादव के बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर कल हुई हिंसा की वारदातों पर निशाना साधा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को ट्वीट करके बताया कि पंचायत चुनाव में बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान सत्ता और धनबल का दुरुपयोग किया है। कल हुई हिंसा सपा शासन की ऐसी अनेक यादें ताजा करती हैं, इसलिए बसपा के इन दिनों अप्रत्यक्ष चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे ट्वीट करके बताया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव निकट है। बीजेपी सरकार के खिलाफ सपा जो जुबानी विरोध के आक्रामकता दिखा रही है वह घोर छलावा है और अविश्वसनीय है। सपा के भी ऐसे ही शासनकाल को जनता अभी भूली नहीं है। उन्होंने कहा कि बात बात पर हल्ला बोल के तेवर वाली सपा यहाँ के गरीबों, किसानों में बेरोजगारी आदि के अधिकारियों तथा दलितों, पिछड़ों व मुस्लिम समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों, हिंसा आदि पर क्यों निष्क्रिय रही है, यह भी सोचने की बात है। वहीं उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा को लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा कि बाबू अखिलेश जी, आपसे ना हो पाएगा सड़क पर संघर्ष। इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन हो तो बीजेपी वालों की गुंडई और ठगों के दुशासन का होश ठिकाने लगा देता और ढोंगी के दुशासन का होश ठिकाने लगा देता। एक बहन का बीच सड़क पर चीर रहा और आप आराम से बैठे हो, जेल से निकलता हूँ, संघर्ष के लिए पार्टी आउटसोर्स कर दीजिएगा, फिर दिखाता हूँ। गौरतलब है कि लखीमपुर में ब्लॉक परिसर में नामांकन के दौरान गुरुवार को सपा समर्थन महिला प्रत्याशी रितु सिंह और उनके प्रस्तावक से पुलिस के सामने बदसलूकी की गई। रितु ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरओ के कक्ष में नामांकन पत्र फाड़ने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि भाजपा की सांसद रेखा वर्मा और पुलिस की मौजूदगी में उन दोनों के कपड़े फाड़ दिए गए। घटना के बाद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। डीएम ने इस मामले में संयुक्त जांच के आदेश दिए हैं।